गाइस आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट ए परफेक्ट स्लिक बैक हेयर स्टाइल। अब आई नो कि यार बहुत सारे बंदे ना ये टाइटल सुनते ही बोलेंगे कि यार ये तो नॉर्मल हेयर स्टाइल है, जस्ट एक कॉम ब्लो और सारे बाल जो है पीछे कर लो और हमारे जो स्लिक बैक हेयर स्टाइल है वो हो गए। बट यार बेसिकली ब्रो जितना बोलने में आसान है ना उतना करने में आसान नहीं है। और प्लस यहाँ पर जैसे आप एक कॉम लेके नॉर्मल पीछे तो कर लोगे बट यार वो ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाते और बहुत सारी जो उसमें प्रॉब्लम है ना वो आती है। और प्लस आप जो परफेक्ट जो स्लिक बैक हेयर स्टाइल करना चाहते हो ना वो वाली बात उसमें नहीं आ पाती। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि परफेक्ट स्लिक बैक हेयर स्टाइल कैसे कर सकते हो ताकि लंबे टाइम तक टिके रहें। और प्लस यार बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनके ऊपर स्लिक बैक हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, बहुत खतरनाक लगता है, तो वही इसमें आपको बताने वाला हूँ। लास्ट देखते रहना बाय द फूड ऑन टॉमी। माय नेम इज साहिल एंड आई एम हियर टू बर्न फैशन एंड ग्रूमिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो उसको पहली बार देख रहे हो तो यार अभी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। और प्लस मेरा जो रोस्ट वाला चैनल जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो, काफी मजा आने वाला है। तो जल्दी से हम इस रोस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप नॉर्मल ऐसे बाल वेट करके यार ऐसे कॉम से अगर आप अपने बाल को पीछे करते हो स्लिक बैक करने के लिए तो उसमें दिक्कतें क्या क्या आती है। फर्स्ट दिक्कत आती है कि यार मतलब दिक्कत आती है कि वो यार मतलब ज़्यादा देर तक ना स्टे नहीं रह पाते, वो थोड़ी देर में ना कर्ली हो जाते हैं, वो वेवी हो जाते हैं। मतलब अगर आपके बाल थोड़े स्ट्रेट है तो थोड़े आसान होते हैं स्लिक बैक करना, बट अगर आपके जो बाल है वो वेवी हैं स्ट्रेट नहीं है तो उस टाइम पर ना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जब भी आप ऐसे स्लिक बैक वगैरह करते हो तो उस टाइम पर हमारे जो हेयर है वो पीछे से काफ़ी ऐसे मुड़ जाते हैं या फिर हमारे जो बाल है वो वेवी हो जाते हैं और स्लिक बैक की ना पूरी ऐसी ऐसी हो जाती है। और सेकंड दिक्कत वगैरह क्या होती है ना कि मतलब जब ऐसे आप स्लिक बैक वगैरह करते हो तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे बालों में ना सिर्फ वॉल्यूम वगैरह आ जाता है और फिर वॉल्यूम वगैरह मतलब बाल सारे हमारे आगे आते हैं और उसमें स्लिक बैक वाली जो होती है ना बात वो रह ही नहीं जाती। तो बेसिकली उस चीज़ को भी फिक्स करने वाले हैं कि ये मतलब वॉल्यूम वगैरह ना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो फाइनली अब हम यहाँ पर आते हैं हेयर स्टाइल पे कि आपको हेयर स्टाइल कैसे करना है। नंबर फर्स्ट हम पैसे वे वेट योर हेयर। अब यहाँ पर जैसे आपको क्या करना है कि अपने बालों को वेट करना है और अगर आपने कोई भी अपने बालों में प्रोडक्ट वगैरह लगा रखा है, कोई भी वैक्स जेल वगैरह लगा रखा है तो उसको आपको पूरा वॉश आउट करना है। कोई भी बिल्कुल भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए, शैम्पू से वॉश करके आ जाओ। और जस्ट उसके बाद आपको क्या करना है कि सेकंड चीज़ है वो है टॉवल ड्राई आपको करने हैं बालों को। और मेक श्योर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत हो जाना, नॉर्मल ड्राई कर सकते हो जिससे कि आपके जो बाल है वो ज़्यादा खींचे ना। नंबर थर्ड आपको क्या करना है कि वहाँ पर आपको यूज़ करना है हीट प्रोटेक्टर, क्योंकि अभी आगे चल के ना हम अपने बालों में हीट वगैरह देने वाले हैं तो हीट प्रोटेक्टर पहले यूज़ कर लो, नहीं तो फिर आपके बालों की ना माँ बहन हो जाएगी, आपके जो बाल है पूरे फ्राई हो जाएंगे। हीट प्रोटेक्टर यूज़ करने के बाद जो फोर्थ हमारे पास स्टेप है वो है हेयर ड्रायर। अबे यहाँ पर ना हेयर ड्रायर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे जो मतलब हेयर है वो पीछे की साइड स्विफ्ट हो पाए और प्लस हमारे जो वेवी हेयर हैं तो वो अच्छी तरह से स्ट्रेट हो पाए। तो जैसे यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये कोई भी ब्रश लेके आपको अपने बालों को ना पीछे की साइड स्विफ्ट करना है और प्लस आपको ड्रायर ना अच्छी तरह से यूज़ करनी है और आपको अपने बालों को ना पीछे की तरफ अच्छी तरह से स्विफ्ट कर देना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और अगर चाहो तो ड्रायर की जगह स्ट्रेटनर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको करना क्या कि अपने बालों को ना आपको स्ट्रेट करना है और आपको जो हेयर ना पूरे अच्छी तरह से स्ट्रेट होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं भी ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहो स्ट्रेटनर यूज़ करना तो स्ट्रेटनर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हमारे जो हेयर हैं वो स्ट्रेट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा जो स्लिक बैक हेयर स्टाइल है वो भी हमने अचीव कर लिया है। बट यार जो स्लिक बैक है ना वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, वो मतलब कुछ टाइम बाद में ख़राब हो जाएंगे और पीछे से आपके जो बाल है वो मुड़ जाएंगे और थोड़ा भी पानी वगैरह लगता है ना तो वैसे ही हो जाएंगे। अब इसको लंबे टाइम तक टिकाने के लिए जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है कि मतलब यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा एक अच्छा हेयर वैक्स। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आपके बालों में मैट फिनिश रहे, मतलब सूखे सूखे बाल रहे, तो उसके लिए जैसे यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो क्ले हेयर वैक्स। अगर आप चाहते हो कि आपके जो बालों में शाइनिंग बनी रहे तो उसके लिए जैसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो पोमेड। इससे क्या होता है कि हमारे जो बाल हैं पोजिशन पर अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और हमारे जो बाल हैं वो इधर उधर ज़्यादा हिलने नहीं वाले। अब जैसे यहाँ पर आपने जो हेयर वैक्स है ना वो तो लगा लिया, अब यहाँ पर जो सिक्स चीज़ है वो है वाइट टीथ कॉम्ब। अब जिसमें जो वाइट टीथ जिसके होते हैं ना वो आपको लेना है ताकि आपके बालों में अच्छी तरह से टेक्सचर आ पाए और जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वैसे आप यूज़ कर सकते हो और इससे हमारे जो हेयर है वो अच्छी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, वो उसमें जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर जो सेवन चीज़ हमको करनी है वो है अपने बालों को फ्रीज करना है, तो उसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी हेयर स्प्रे। तो यहाँ पर आप कोई भी जो हेयर स्प्रे ना वो अच्छा ले सकते हो, मैं यहाँ पर गेट्सबी का यूज़ करता हूँ, आप कोई भी जो हेयर स्प्रे ले सकते हो। हेयर स्प्रे लेने के बाद जैसे आपको क्या करना है कि अपने बालों में अच्छी तरह उसको लगाना है। अब इससे क्या होगा हमारे जो बाल हैं ना पूरे फ्रीज हो जाएंगे, वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिलने वाले और वो मतलब एक जगह पर फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा वो। तो मतलब ऐसे होता है ना बाल आगे थोड़ी देर बाद मुड़ जाते हैं या फिर वो बहुत जैसे उसमें वॉल्यूम आ जाता है या फिर इधर उधर हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जहाँ पर आपने बाल जैसे कर दिए सेम वैसे आपके बाल जो है ना वो लंबे टाइम तो वैसे के वैसे रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो स्लिक बैक हेयर स्टाइल है वो बन चुका है और अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो हेयर स्टाइल है वो कितना अच्छा लग रहा है और इसे हम कहते हैं परफेक्ट स्लिक बैक हेयर स्टाइल और ये लंबे टाइम तक आपकी जो हेयर स्टाइल है वो चलने भी वाली है। अब आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये जो हेयर स्टाइल है वो कैसा लगा है, प्लस आप कौन से हेयर स्टाइल में वीडियो चाहते हो, प्रॉपर वीडियो चाहते हो, आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। और प्लस ये वाला हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर आप देखना चाहते हो इस हेयर स्टाइल पे मेरी पिक, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी कई सारी फोटोज है, जाके उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, मुझको पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर आप इस चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना, और मेरे जो रोज वाला चैनल है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो बस हमने एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।